2010 से लेकर 2017 तक एसएससी सीजीएल टायर वन एग्जाम में पूछे जाने वाले एल्जेब्रा के ऊपर लगभग 200 क्वेश्चन में से इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और अगर आप इन 200 क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा उम्मीद है कि सीसीएल 2018 एग्जाम में आप मे बी 80 से 100% क्वेश्चन जो कि अल्जेब्रा के ऊपर अटेंड करके आ पाएंगे। और इससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ 2a - 2 upon a + 3 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ - 1 upon a³ + 2। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको मिटा देते हैं एट फर्स्ट। और यहाँ पर सिंपली एट फर्स्ट दिया हुआ है जो कि 2a - 2 upon a + 3 = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, टू इन दोनों में से टू कॉमन लेंगे तो a - 1 upon a, और प्लस थ्री है तो इस साइड में आएगा तो -3। और यहाँ पर a - 1 upon a जो कि 2 इस साइड में ले तो -3 upon 2। अब यहाँ पर निकालना है कि a³ - 1 upon a³ + 2। और यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला, और यहाँ पर a - b का होल क्यूब यानी कि a - 1 upon a का होल क्यूब +3 a * b यानी कि a * 1 upon a * a - b यानी कि a - 1 upon a +2 लास्ट में। और यहाँ पर a - 1 upon a जो कि -3 upon 2 का क्यूब +3 a कैंसिल, a - 1 upon a जो कि -3 upon 2 +2, और यहाँ पर जो कि माइनस होगा क्यूब इस पर से तो 3³ यानी कि 27, 2³ यानी कि 8 प्लस यहाँ पर 3 × 3, यहाँ पर माइनस लिख लीजिए एट फर्स्ट तो -3 × 3 = 9 upon 2 + 2। और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 8 एलसीएम जो कि -27 - 36 + 16, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो -47 upon 8 जो कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो कि क्वेश्चन है, इफ x^47 + 1/x^47 = 2, देन x^48 - 1/x^48 = 1। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और इस टाइप क्वेश्चन को आप विदाउट एनी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट दिया हुआ है जो कि x^47 + 1/x^47 = 2। तो इसमें से x इक्वल टू अगर वन पुट करके देखते हैं तो 1^47 + 1/1/47 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि x = 1 पुट कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें भी x = 1 पुट करना है तो सिंपली x^48 - 1/x^48, और यहाँ पर x = 1 यानी कि 1^48 - 1/1/48 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ x + y + z = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² / yz + y² / zx + z² / xy। तो सिंपली यहाँ पर निकालना है जो कि x² / yz + y² / zx + z² / xy, और इन सब का एलसीएम ले लीजिए जो कि xyz, और यहाँ पर x जो कि नहीं है तो x² + x³ + y² / y³ + z नहीं है z³,
और यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि अगर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है देन आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री इंटू ए बी सी। और यहाँ पर सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड जो कि जीरो है और यहाँ पर सिंपली x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख सकते हैं थ्री इंटू एक्स वाई जेड। और यहाँ पर नीचे है जो कि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कैंसिल यानी कि थ्री जो कि ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो कि क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 98 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब। और यहाँ पर सिंपली एट फर्स्ट दिया हुआ है जो कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 98 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे तो ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी यानी कि ए इंटू वन अपॉन ए इक्वल टू 98। और यहाँ पर ए ए कैंसिल होगा तो ए प्लस वन अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल टू 98। और यहाँ पर देखिए माइनस टू है तो इस साइड में होगा तो प्लस टू यानी कि ए प्लस वन अपॉन ए इस साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में जो कि स्क्वायर रूट होगा जो कि 98 प्लस टू यानी कि स्क्वायर रूट 100 यानी कि 10। और यहाँ पर सिंपली निकालना है कि ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि यहाँ पर ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए। और यहाँ पर ए प्लस वन अपॉन ए जो कि 10 यानी कि 10 क्यूब माइनस ए ए कैंसिल थ्री इंटू ए प्लस वन अपॉन ए जो कि 10 यानी कि ए क्यूब यानी कि 1000 माइनस थ्री इंटू 10 30 यानी कि 970 जो कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 जो कि क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन दिए गए हैं तो इस टाइप क्वेश्चन में विदाउट एनी फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी जो कि 5 दिया हुआ है और दिया हुआ है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। तो अगर इसमें देखिए ए इक्वल टू अगर 3 बी इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो 3 प्लस टू 5 और ए यहाँ पर 3 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर 2 जो कि 2 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 जो कि 13 आ रहा है यानी कि ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी यानी कि 3 माइनस 2 जो कि 1 आपका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जो कि क्वेश्चन है इफ 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन z इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज। और यहाँ पर ऑप्शन देगा तो सिंपल सा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x अपॉन x माइनस 3 अपॉन x इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के। इसी तरह से 5y अपॉन y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए सभी में यहाँ पर x तो x x कैंसिल y y कैंसिल z z कैंसिल यानी कि 5 और एक 5 प्लस 5 और बाकी जो कि 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z इक्वल टू 0। और यहाँ पर इन तीनों में से माइनस 3 अगर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z होगा।
और यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 15, जो कि इस साइड में आएगा तो -15, और यहाँ पर दोनों साइड में माइनस से देखें, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 15, 3 इस साइड में आएगा तो डिवाइड होगा 3, यानी कि 5, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो कि क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज, और यहाँ पर ऑप्शन देंगे तो सिंपली एट फर्स्ट दिया हुआ है जो कि ए इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और निकालना है जो कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 1 अपॉन ए, यानी कि ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। तो सिंपली ए प्लस 1 अपॉन ए क्या है को निकालना है इसमें से। तो सिंपली एट फर्स्ट यहाँ पर निकालेंगे कि 1 अपॉन ए क्या है, तो 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। किस तरह से देखिए, एक ट्रिक है जो कि मान लीजिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में जाके प्लस होगा, अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा। तो यहाँ पर सिंपली 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो ऊपर में जाके माइनस होगा, एंड यहाँ पर 2 यानी कि स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और इसको आप और भी डिटेल्स में देख सकते हैं, जैसे कि 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, आप ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यानी कि 3, और ऊपर में जो कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर सिंपली ए प्लस 1 अपॉन ए कितना होगा, ए प्लस 1 अपॉन ए जो कि होगा ए यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और 1 अपॉन ए जो कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 जो कि 4, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ए प्लस 1 अपॉन ए जो कि 4 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 यानी कि 14, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो कि 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इज, और यहाँ पर ऑप्शन दे गए। तो सिंपली एट फर्स्ट दिया हुआ है जो कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सिंपली देखिए दोनों साइड में ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू ए माइनस 1, और ए माइनस 1 जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि माइनस 1 क्यूब, और यहाँ पर सिंपली 0 इंटू जितना भी हो 0, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू 1, और यहाँ पर सिंपली दोनों साइड को क्यूब कीजिए, दोनों साइड को क्यूब यानी कि ए टू द पावर 9 इक्वल टू 1, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 जो कि क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज, और यहाँ पर सिंपली ऑप्शन भी दिए गए हैं। एट फर्स्ट जो कि x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 6 है, और एक है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर इक्वल टू 20। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को विदाउट एनी फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते किस तरह से। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जो कि 6 करना है, तो मान लीजिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 6। अब सिंपली x इक्वल टू अगर 4 स्क्वायर, y इक्वल टू यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस जेड जो कि 0 इक्वल टू 20। देखिए 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 20 आ रहा है। यानी कि आप x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर पुट करना है, तो सिंपली x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz और यहाँ पर x क्यूब यानी कि 2 4 क्यूब, y क्यूब यानी कि 2 क्यूब, z यहाँ पर 0 और 3 इंटू यहाँ पर z लास्ट है तो 0 पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 4 क्यूब यानी कि 64 प्लस 2 क्यूब यानी कि 8 यानी कि 64 प्लस 8 यानी कि 72 जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर है। और इस टाइप क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना है कि कहाँ पर क्या मान बैठाना है, ये आपको सोचना है थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। और यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि इफ़ ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए माइनस टू होल स्क्वायर इज, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो सिंपली निकालना है क्या, देख लीजिए निकालना है जो कि ये फॉर्मूला है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, और यहाँ पर ए जो कि ए माइनस टू और बी जो कि वन अपॉन ए माइनस टू इसका होल स्क्वायर फुल होल स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि ए माइनस टू प्लस वन अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी यानी कि ए माइनस टू इंटू वन अपॉन ए माइनस टू। तो ए माइनस टू कैंसिल यानी कि ए माइनस टू प्लस वन अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पर दिया हुआ है जो कि ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सिंपली दोनों साइड में देखिए यहाँ पर माइनस टू लेके आना है, तो दोनों साइड में माइनस टू कीजिए तो ए माइनस टू दोनों साइड में माइनस टू, ए माइनस टू प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इक्वल टू 4 माइनस टू कर सकते हैं। यानी कि ए माइनस टू प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इक्वल टू 2, यानी कि ये पूरा टर्म जो कि 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 जो कि 2 आपका आंसर है, ऑप्शन बी का आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोज़ देखने के लिए।